नमस्कार है, जय हिंद है। ये जो MBA और जो BBA MBA इन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल प्लानिंग की जो रेगुलर प्रैक्टिकल डिग्री जो कि UGC द्वारा नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल की A+ यूनिवर्सिटी टॉप रिप्यूटेड द्वारा एक अवार्डेड डिग्री है, ये डिग्री वैसे तो हर एक के लिए बहुत फायदेमंद है, जिसको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में जिक्र भी किया है। एंड आपको टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपको ये लग रहा है कि समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स हैं वो धुरंधर सब्जेक्ट्स हैं और जो बनाए गए हैं वो टॉप CXOs हिंदुस्तान के टॉप इंडस्ट्री के टॉप लोगों द्वारा, या वही पढ़ाने आएंगे तो हमें क्या समझ आएगा या नहीं आएगा, उसकी भी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, वही मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड का ब्रोकर है, या इक्विटी का ब्रोकर है, या फिर इवन रियल एस्टेट का ब्रोकर है, या फिर इवन कोई बैंकर है, या इवन कोई होम मेकर है यानी कि हाउसवाइफ है, या फिर हो सकता है कोई बिजनेस ओनर है जिसने कई साल पहले पढ़ाई छोड़ दी हो मगर आज पढ़ने का मन करता है, या इवन उनके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यानी कि हर कैटेगरी के पर्सन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स आपने कहीं पे और नहीं पढ़े होंगे प्रैक्टिकल परिभाषा में। और रेगुलर डिग्री के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड जो प्रैक्टिकल डिलीवरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मगर आज की वीडियो में मैं सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करता हूं और आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि बाकी कैटेगरी जो लोग हैं उनके लिए कैसे कैसे फायदेमंद रहेगा। इंश्योरेंस एजेंट्स जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट बेचने मार्केट में जाते हैं, कायदे से वो भूल जाते हैं कि जो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट है वो भी एक फाइनेंस का प्रोडक्ट है, जिसको हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोलते हैं। एंड कायदे से इंश्योरेंस भी तो एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस ही है। और ये जो फाइनेंस का जो प्रोडक्ट है यानी कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने जब हम जाते हैं तो हम इसके लिए अपनी तैयारी क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं आज तक इतने सालों से कई तरह के मोटिवेशनल ट्रेनर्स या स्पीकर्स को सुन के, कई तरह की कहानियां, स्टोरीज या डांस के प्रोग्राम अटेंड करके हम ये फाइनेंस का प्रोडक्ट बेचने निकलते हैं। उसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारा एक्चुअली में हमारी जो रेपुटेशन है, जो हमारी क्वालिटी है वो डिटेरियरेट होगी। रेदर मैं तो यूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपके कन्वेंशनल प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के पोर्टफोलियो के अंदर का रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं, मगर रिस्क जब तक हम समझेंगे नहीं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, या उसके पोर्टफोलियो का कितना बीटा है, या उसके पोर्टफोलियो का ईयरली रिटर्न कितना है, या पोर्टफोलियो का फाइनेंशियल प्लान क्या बनाना है, ये सब टेक्निकल परिभाषा में जब तक हम नहीं समझेंगे हम अपने कन्वेंशनल प्रोडक्ट को कभी फिट नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम कहीं ना कहीं कई तरह की प्रेजेंटेशन बना बना के हमारे कन्वेंशनल प्रोडक्ट को विजाविज म्यूचुअल फंड या विजाविज रियल एस्टेट या विजाविज कुछ भी हम एक तरह से कंपेयर करके अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं, और ऐसे दुनिया नहीं चलती। सिमिलरली अगर हम यूलिप प्रोडक्ट हमें बेचने पड़ेंगे, और मैंने कई पुरानी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि आने वाले समय में आपको यूलिप प्रोडक्ट क्यों बेचने पड़ेंगे, और आज आप देख सकते हैं कि अब आपके पास जो प्रेशर है वो यूलिप प्रोडक्ट बेचने का ज्यादा आ रहा है और आएगा। और यूलिप प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें शेयर मार्केट ज्यादा आनी चाहिए, और शेयर मार्केट एवरी टॉम डिक एंड हैरी का एक तरह से स्ट्रेंथ एरिया नहीं होता है, उसको भी हमें इन डेप्थ सीखना समझना जरूरी है। और हम ये नहीं कह सकते कि म्यूचुअल फंड गलत है, या हम ये नहीं कह सकते रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ, क्योंकि क्लाइंट का जो पूरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर यूलिप भी एज अ प्रोडक्ट फिट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड हमें मार्केट की समझ हो। इनफैक्ट एक जमाने पहले जब हमने मनी प्लस जैसे प्रोडक्ट को बेचा किसी के मोटिवेशन के बहकावे में आकर, और कहीं ना कहीं हमें ये समझ आया कि क्लाइंट्स को लॉसेस हो रहे हैं, उस जमाने में भी अगर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती कि कैसे यील्ड कर्व के कारण या इकोनॉमिक जो कर्व्स जो मूव हो रहे थे उसके कारण हम क्लाइंट का जो पैसा था उसको हम शिफ्ट कर सकते थे फ्रॉम इक्विटी ग्रोथ से डेट साइड पे, मगर उसके लिए हमें यील्ड कर्व कैसे फ्रेम होता है, कैसे यील्ड कर्व मॉनेटरी पॉलिसी के तहत लिंक होता है, कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी के साइकिल चलते हैं, ये सब समझना जरूरी है। एक्चुअली में मैं तो आपको ये कहने की कोशिश करूंगा कि इंश्योरेंस एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने के लिए हमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स की बहुत धुरंधर नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको कोई ये रोकता हो कि नहीं 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 म्यूचुअल फंड की नॉलेज मत लो, नहीं नहीं इक्विटी की नॉलेज क्या करनी, रियल एस्टेट की नॉलेज क्या करनी वगैरह वगैरह, अगर हम बाकी सारी चीजों की नॉलेज नहीं लेंगे तो क्लाइंट के साथ हम वार्तालाप कैसे करेंगे,
और जब हमारे पास ऐसी नॉलेज होगी और जब हम क्लाइंट के साथ वार्तालाप करेंगे तो हम क्लाइंट के उस पोर्टफोलियो के अंदर कैसे हमारा कन्वेंशनल प्रोडक्ट एज अ रिस्क मिटिगेटर फिट हो सकता है, या कैसे हम शेयर मार्केट की अंडरस्टैंडिंग को लिंक करते हुए कैसे यूलिप का प्रोडक्ट हमारा फिट हो सकता है या उसको हम चर्न कर सकते हैं, ये हमें समझना बहुत जरूरी इस MBA प्रोग्राम या BBA MBA प्रोग्राम से आएगा। और वर्स्ट सिनेरियो दो और पॉइंट है। देखो, जब हम किसी मोटिवेशनल ट्रेनर या स्पीकर के पास जाते हैं नाच गाना करने, या लड़े से वहां से उनकी कहानियां सुनने, वो सारी टॉक सुनने, हमें पता होता है कि उसको टेक्निकली कुछ नहीं आता। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी टेक्निकल इंपैक्ट करता है हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को या हमारे क्लाइंटेल को, तो हम उससे सवाल जवाब पूछ नहीं सकते। मगर जब हम टेक्निकल सीखने की सोचते भी हैं तो हम कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं टेक्निकल सीखने जिसकी खुद की क्वालिफिकेशन या तो है नहीं, या अगर क्वालिफिकेशन है तो इररिलेवेंट है, या क्वालिफिकेशन अगर हल्की फुल्की है भी तो उनका एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज ही नहीं है। तो सोचो, अगर हम गलत जगह से टेक्निकल सीखेंगे तो हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी नॉलेज एनहेंसमेंट कदापि नहीं हो सकती। एंड इसीलिए एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हम अपने आप को बिना कुछ जाने या समझे हम फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइजर का दर्जा अपने आप को दे देते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, क्लाइंट को तो वैसे ही नहीं आता, मैं अपने आप को फाइनेंशियल प्लानर फाइनेंशियल एडवाइजर कर लेता हूं। मगर जिस तरीके से स्ट्रिंजेंट रूल्स चेंज हो रहे हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के, जो मैं पिछले कई सालों से कह रहा हूं, और वो सही कई सालों से ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण यहां पे फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर अपने आप को कहने के लिए आपके पास एक रेलेवेंट क्वालिफिकेशन जरूरी है और एक रेलेवेंट टेक्निकल नॉलेज जरूरी है। एंड ये दोनों चीजें भी यही प्रोग्राम्स में ही आप हासिल कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि सिंस हमें नॉर्मली कुछ भी टेक्निकली नहीं आता होता और हमारा सो कॉल्ड टेक्निकल ट्रेनर कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को कहीं से कॉपी पेस्ट करके, कहीं से गूगल आउट करके, यूट्यूब के कुछ सुन के आपको पेश कर देता है अपनी प्रेजेंटेशन में, तो हमारे को लगता है कि वाह यार, अपने को कुछ टेक्निकल नया ज्ञान मिल गया है। मगर वो इन डेप्थ ज्ञान ना उस ट्रेनर को आता है ये पक्की बात है, और हमें वैसे ही नहीं आया है, और हम वो थोड़ा पिचादा ज्ञान लेकर हम क्लाइंट को एक प्रोडक्ट बेचने निकल जाते हैं। और सोचो, क्या आपको कभी यह नहीं लगता कि हम जेन्युइनली क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग वाकई में करें, जेन्युइनली उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, जेन्युइनली उसका फाइनेंशियल एडवाइजरी हम करके उसका पोर्टफोलियो को मैनेज करें? क्योंकि अगर जब तक हमें खुद ऐसा गिल्ट नहीं आएगा तो हम तब तक ऐसा टाइम पास वाली ट्रेनिंग करके, ऐसा टाइम पास वाला शैलो टेक्निकल कंटेंट लेके एक शॉर्टकट के बेसिस पे क्लाइंट को सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करेंगे, मगर जेन्युइनली हमारा कंट्रीब्यूशन कभी उसमें काउंट नहीं होगा। इनफैक्ट मैंने कुछ वीडियोस में यह भी जिक्र किया है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान वर्ल्ड गवर्नमेंट के बॉन्ड इंडेक्स में लिस्ट हो रहा है, उसके कारण एक तरह से बॉन्ड्स का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा और डायरेक्ट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वो बॉन्ड्स बेचा करेगी। तो अगर हमारे ये जो लॉन्ग टर्म के जो बॉन्ड के जो प्रोडक्ट हैं, कन्वेंशनल प्रोडक्ट हैं, वहां से अगर रिडेम्पशन शुरू हो जाएगी तो वहां पे भी हमें नॉलेज चाहिएगी, और नॉलेज नन अदर देन ये प्रोग्राम की। ये प्रोग्राम का पहले नाम इनफैक्ट MBA या BBA MBA इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग होता था, और ये हमने शुरुआत करी थी 2016 में। मगर धीरे धीरे करके हमने देखा कि अगर हम इंश्योरेंस का काम करते हैं तो सिर्फ इंश्योरेंस की नॉलेज नहीं, ब्रह्मांड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की नॉलेज चाहिए। और साथ में अब इस प्रोग्राम में कई तरह के लोग ज्वाइन होते हैं, तो इंश्योरेंस एजेंट्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड के ब्रोकर्स भी होते हैं, कई इंडस्ट्री के लोग भी होते हैं, और कई इक्विटी ब्रोकर्स भी होते हैं, कई बिजनेस ओनर्स भी होते हैं, कई हम सारे लोगों के बच्चे भी होते हैं, कई होम मेकर्स भी होते हैं। तो उसके कारण हमारा ऑलराउंड डेवलपमेंट बेटर होता है, और इसलिए मैं कहूंगा कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप ही की इंडस्ट्री के कई टॉप TOTs, COTs, MDRTs ने ऑलरेडी ये MBA कर चुके हैं या कर रहे हैं। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। जय।